लिखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। लिखिए बच्चों ए वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए और डी टाउ डीवी। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, याद रख लेना। देखो बच्चों ये हमेशा क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, ये हमेशा क्या होता है क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे सरफेसेज अगर क्लोज होंगे तो ही क्या बनेगा वॉल्यूम कंटेन करेगा, अदरवाइज वॉल्यूम कंटेन नहीं करेगा। समझ में आ गया ना, एडिंग दो। गॉस लॉ जी ए यू डबल एस, गॉस लॉ जानते हो। देखो बच्चों हिंदी में का नियम, ये तो आप जानते ही बच्चों, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल बंद फ्लक्स इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे आए रे जनता, तेरी दो और बाकी दोस्त कहाँ हैं? ए मनीषा बाकी और कहाँ हैं? अले अरे के अंकिता क्या वो बीमार हो गई? तो थी तो चार है, अले अब दो हो गई। हाँ घर क्यों गई हैं? हाँ लिखो बच्चो फाइ इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू एन क्लोज लिख लो रो डी वी। एक बात है, एक बात बताऊंगे आप लोगों। लिखिए बच्चों कई बच्चे फॉर्म में, हाँ लिखिए बच्चों गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, एडिंग दो गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों फाई इक्वल टू देखो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सुन तो लो, ठीक है। देखो बच्चों ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल, इसकी जगह ऐसे लिख दूं क्या रो डी वी और अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल, ये लिख दूं क्या इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूं, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई और ये कितना हो जाएगा डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी, ठीक है। तो कंपेयर कर दो बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो।
ऑन कंपैरिजन। ऑन कंपैरिजन करो बच्चों जल्दी से। नहीं थी क्या ये स्टोक कर्ल पर में है भाई? हाँ ठीक है, बोलो भाई, बोलो सही। हाँ यस सर। ठीक देखिए, अब सुनिए मेरी बात, सुनोगे नोट देके, कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। देखो, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इक्वल टू एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर होता है, पहली बात तो ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ, और इनको बोलना सीखना आता है, डेल डेल करते रहते हो, मुंह खराब तुम्हारा, ठीक है। डेल पता नहीं कहां से सीख गया डेल। हाँ डेल ये होता है जानवरों, डेल बाय डेल डेक्स, डेल ये होता है कि डेल होता है, डेल होता है तो जिंदगी भर तो करते रहे डेल डेल। नेपला क्या होता है एक सर, इसको नेबला भी बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं? नेबले को बोलते हैं सर। ये डेल नाम बुक में लिखा हुआ है, बीएससी वाली में। बीएससी की बुक तुम्हारे डोल के ने किसी ने लिखी है? आप ही बोलते हो बीएससी की सीबीएच बुक अच्छी होती है। मैंने तो ऐसे कहा था, तुम्हारे डोल की बुक है वो। ठीक है सर, तुम्हारे पेपर लिखा आएगा या ऑल इंडिया लिखा हुआ आएगा। आर का मतलब राजस्थान के पागल बच्चे ये एग्जाम देंगे, ठीक है, हैं? हाँ राजस्थान के पागल साइंस स्टूडेंट एग्जाम देंगे। हाँ राजस्थान के पागल स्टूडेंटों का कंपटीशन है। समझ गए सर, कुछ नहीं बोलेंगे अब। देखिए मैं सही कहता हूँ, आपको मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, ठीक है। इसको यार डेल तो मैंने पहली बार नाम सुना है, डेल बोलते हैं ये डेल, ये डेल संकारक होता है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर इक्वल टू एन प्लस थ्री इंटू आर की पावर एन। अगली बात ये, ठीक है, कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर इक्वल टू जीरो होता है, ये बात ध्यान रख लेना। रख लोगे ना? अरे रख लोगे क्या बताइयो, ठीक है। अगली बात, अगली कौन सी बात, ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसके ऊपर सवाल आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रख लेना, ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक और याद रखना, कर्ल ऑफ, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसके ऊपर भी अच्छे सवाल आते हैं, इक्वल टू टू ए वेक्टर होता है, टू ए वेक्टर होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू टू ए वेक्टर होता है।
देखिए सुनिए मेरी बात, चलेंगे आगे, चले आगे। अब देखिए बच्चों, अब यहां तक था, ये तो इस चैप्टर। देखिए बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, एडिंग दीजिए, अदिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र। अब शुरू है ये चैप्टर, मन से पढ़ना भाई लोगों, अदिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, क्षेत्र की अवधारणा। क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स, देखिए वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान, जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। शब्द ठीक है, देखिए दैट फील्ड और स्पेस इन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया क्या? देखो ये सिंपल सी बात बोल रहा है, जैसे कोई भी मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, जो एक्स वाई जेड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे अगर डिपेंड करती है, तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। कॉमन सेंस की बात है ठीक है। पहला लिखिए लिखिए भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। तू नहीं लिख रही क्या? वो वाली मनीषा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फील्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखिए बच्चों स्केलर फील्ड्स, अदिश क्षेत्र। देखिए बच्चों वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। देखिए दैट फील्ड और स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
इज कॉल्ड ए स्केलर फील्ड, इज कॉल्ड ए स्केलर फील्ड। देखिए दैट फील्ड और स्पेस इन विच ए स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए स्केलर फील्ड। देखिए भौतिक राशियों, देखिए भौतिक राशियों विद्युत विभव, भौतिक राशियों विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, ताप, घनत्व आदि को अधिक क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियों विद्युत विभव कोमा गुरुत्वीय विभव कोमा ताप कोमा घनत्व आदि को अधिक क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी सच एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिजिकल क्वांटिटी सच एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉमा टेम्परेचर कॉमा डेंसिटी ईटीसी आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द स्केलर फील्ड, आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्केलर फील्ड। देखिए बच्चों एडिंग दीजिए सम अधिश प्रश्न, एडिंग दीजिए सम अधिश प्रश्न। देखिए इक्यू स्केलर सरफेस, इक्यू स्केलर सरफेस, इक्यू स्केलर सरफेस समअधिश पृष्ठ। देखिए जिन पर अधिश राशि का मान नियत होता है, जिन पृष्ठों पर अधिश राशि होता है इक्यू स्केलर सरफेस कहलाते हैं। जिन पृष्ठों पर अधिश राशि का मान नियत होता है ऐसे पृष्ठों को समअधिश पृष्ठ कहते हैं। देखिए दैट पॉइंट इन स्पेस That points in space correspond to
ओनली वन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ओनली वन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज one point in space correspond to only one value of the quantity, that is scalar fields are single valued functions. Scalar fields are single valued functions. Hence these surfaces, hence these surfaces comma, hence these surfaces comma called EQ scalar surfaces, called EQ scalar surfaces. Comma do not intersect, do not intersect. हिंदी में लिखिए बच्चों, क्षेत्र में एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है, एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है, अर्थात अदिश क्षेत्र एकलमानी होता है, अर्थात अदिश क्षेत्र एकलमानी होता है, एकरमानी फलन होता है, इसलिए समअदिश पृष्ठ परस्पर काटते नहीं हैं।
एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है, अर्थात अदिश क्षेत्र एकल मानी फलन होता है, इसलिए सम अदिश पृष्ठ परस्पर काटते नहीं हैं। समझ गए करें। अब देखो बच्चों, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बात आप भी करोगे ऐसी उम्मीद। कहने का मतलब ये हो गया है, जैसे अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा ना, वो ओनली किसके पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। वो किसके पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड कर दिया। अब मैंने कोई एक ऐसा क्या बना लिया, सर्किल बना लिया बच्चों, ठीक है, जैसे गोश्त बनाएगा वैसे ही एक सर्किल बना लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने एक सर्किल बना लिया। अब ऑब्वियस ही बात है, इस पॉइंट के ऊपर आर जो है, आर फिक्स है, तो ये इस सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या रहेगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर सभी पॉइंट्स को मिला देता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। बात इतनी समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है बस। और दूसरी आप ऐसा भी ले सकते हो, कोई कंडक्टर ले लो, ठीक है, कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अरे होता है ना, कंडक्टर के उसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे सरफेसेस क्या कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एक क्या है, अदिश राशि है, पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड कहलाएगा। अब जैसे कोई भी देखो, अब सम अदिश पृष्ठ कभी भी आपस में काटते नहीं है, तो ये देखो कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि सर्किल क्या बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा ये, अरे सबका अलग अलग बनेगा ना, अलग अलग पोजिशन का, ये आर वन का, ये आर टू का, आर थ्री का, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर अदिश राशि का मान एक ही होता, ठीक है, इसलिए आपस में कभी काटेंगे भी नहीं। लिखोगे क्या ये बात है, लिखिए। उदाहरण के लिए ये थोड़े थोड़े इनके फिजिकल मीनिंग आपको पता करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा लिखा रहा हूं यहां पर शुरुआत में, लिखिए, नहीं तो मैं नहीं लिखाता, तुम ईडी में वैसे ही कमजोर हो ना। लिखिए, इफ यू पुट ए पॉइंट चार्ज If we put a point charge at any place, then the electric potential around it will depends on the position of the point.
इफ वी पुट ए पॉइंट चार्ज एट एनी प्लेस देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड इट विल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट. Since electric potential is a scalar quantity, since since electric potential is a scalar quantity, comma, the field around the charge will be known as a scalar potential field, known as scalar potential field. If all such points at which the potential is constant are joined by the surface, then such a surface is called equipotential surface. Equipotential surface. हिंदी में लिखिए बच्चों, इंग्लिश वाले एक बार पढ़ लेना. लिखिए बच्चों, किसी स्थान पर एक बिंदु आवेश रखते तो इन पानी मिला तो के चैतन. अच्छा ठीक है, तो हमें क्यों रोक रखा है. किसी स्थान पर एक बिंदु आवेश रख दें तो उसके चारों तरफ के क्षेत्र में उत्पन्न विभव का मान बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है. विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है. इसलिए आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र अदिश विभव क्षेत्र कहलाएगा. खाली चाय को क्यों रे बता सके. चाय बना रही हूँ मैं, पियो तो बोलो सा. यदि ऐसे सभी बिंदुओं को टंकी भर गई ना, मोटर चला के छोड़ के आ जाते हो. भर गई ते टंकियां भरती रही हो. जदी तो तन में घूम रहा घर तारू टंकी भरे जाएगी. आरपीजीएल टंकी और ही कोई भरेगो. अच्छा बावड़ा रे. घर वाला तार करो सारे दिन तो काम करवाता रहे और बाद में कहे पढ़ लियो आन कह दो थे ही पढ़ लियो मेरी बदले से टंकी तो कह एक तो मारो माथो काम कर रही है ठीक है एक मारो इशो मुंह और ऊपर माने फिजिक्स हमेशा करा दी और ऊपर टंकी और कराओ
क्या थोड़ा चुनो पत्थर भी दे दो ताकि टंकी बना ही दे एक नई। अच्छा देखिए, अदिश विभव क्षेत्र कहलाएगा यदि ऐसे सभी बिंदुओं को, यदि ऐसे सभी बिंदुओं को एक तल द्वारा मिला दिया जाए, एक तल द्वारा मिला दिया जाए जिन पर विभव का मान एक समान हो तो, जिन पर विभव का मान एक समान हो तो ऐसे तल को समविभव पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नोट देके लिख लो, नोट देके सभी एक ही लाइन में लिख लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लिखिए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हिंदी में नहीं लिखाऊंगा, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ सर्कुलर सरफेस ड्रोन टेकिंग चार्ज, ड्रोन टेकिंग चार्ज, दोबारा बोलना सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्कुलर सरफेस के बाद में क्या बोला आपने, सर्कुलर सरफेस ड्रोन, डी आर ए डब्ल्यू एन ड्रोन टेकिंग चार्ज एज ए सेंटर, will be same, thus these circular surfaces will be equipotential surface. These circular surfaces will be equipotential surface for point charge. सर ये डायग्राम बना लें। हाँ ये डायग्राम बनाना ही है। चलो ठीक है हिंदी में बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। ये मीनिंग ऐसे है कि कोई प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पे रख दो, ठीक है, तो आपके क्या बनाएंगे सर्कुलर सरफेस बनेंगी, वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो अब इन सब पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो एक सरफेस बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ये प्लेन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं। देखिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, आगे बार बार काम में लेंगे। देखिए यहाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये मैंने प्लस टू चार्ज ले लिया, तो आप कोई भी आर रेडियस का क्या बना दीजिए, ये जैसे मान लो मैंने आर वन रेडियस का बना दिया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। तो ये एक पूरा एक क्या बन गया, एक सरफेस बन गया बच्चों, ये पूरा क्या बन गया, एक
सरफेस बन गया, ये क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, अब ये ले लो चाहे दूसरा सरफेस ले लो, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये ले लो तीसरा ले लो चाहे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। विभवांतर का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। तो वो ऐसे सारे सरफेसेस क्या कहलाते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। समझ में आ गया? सर उसका शेप सर्कुलर होना जरूरी है क्या? क्या कह रहे हो? शेप तभी सर्कुलर होगा जब पॉइंट चार्ज होगा। सर्कुलर होना कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी ऐसे डेटा वेटा प्लेन दे दीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, जैसे इसके ऊपर मैंने फाइव वन मान लिया और ये कोई सरफेस क्या मान लिया मैंने, फाइव टू ले लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर पूरे क्या नाम है, इसके ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है और इसके ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल आप फील के साथ में आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि होता भी ऐसा है। ठीक है, आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, बार बार काम में आएगा ये। समझ में आ गया? आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए। क्या बनाइए? हाँ, तो लाइंस को मिला दिया, ये सर्कुलर है, ये कहलाएगा तो प्लेन ही, ठीक है। अरे ये ऐसे कह रहा हूं कि इसका बीच का पार्ट भी मैं अगर कंसीडर कर लूं कहलाएगा तो प्लेन ही ना, क्यों? सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो हैं। सर्कुलर जो बनाऊंगा वो तो सब क्या, अरे ये सरफेस नहीं हुई गई यार, ये पूरी ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपका क्या बनता है, लाइन बनती है क्या? 3D नहीं हुआ गया यार, कैसी बातें कर रहा है? मैं पढ़ने दे, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं स्पीयर लिया है, स्पीयर लिया है और स्पीयर के सेंटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, लाइन बनाएगा क्या? वो एक ही बात है यार, मैं तो कह रहा हूं बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं समझते हो ना, कंडक्टर समझ लिया करो आप, ठीक है। कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। कर लो बच्चों, देखिए वेक्टर फील्ड्स, एडिंग दो बच्चों, वेक्टर फील्ड्स, फिर ये सुने पानी, एडिंग दीजिए वेक्टर फील्ड्स, वेक्टर फील्ड्स, जहां आपने स्केलर फील्ड लिखा है ना वहां पर वेक्टर फील्ड लिखना है बस। देखिए बच्चों, देखिए वेक्टर फील्ड्स, देखिए यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की, यदि किसी
यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान ब्रैकेट में लिखे परिमाण या दिशा अथवा दोनों ब्रैकेट बंद में परिवर्तन होता है अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान परिमाण या दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होता है अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि सदिश क्षेत्र के उदाहरण हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि सदिश क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, यही सेम एग्जांपल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिखा जा सकता है। कोई भी स्पीयर होगा, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या कहलाएगा, क्या क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र आ जाएगा। अरे हो जाएगा ना, देखिए इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और बोथ ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए फील्ड that is the vector quantity depends on the coordinates of the point of observation
इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए फील्ड कॉमा दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉमा द फील्ड इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। लिख लिया गया, लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ ए the intensity of vector field comma magnetic field and gravitational field etc are the example of a vector field, are the example of a vector field। सीख रहे हो ना? जैसे अगर ऐसे नहीं समझते हो ना तो आप ऐसे समझ लिया करो कोई पॉइंट्स के मिलाने वाले की बात है, ठीक है, कि क्या नाम है, आप वॉलीबॉल ले लो, वॉलीबॉल जानते हो क्या, पतली सी सरफेस होता है, ठीक है, और उसके सेंटर के ऊपर आप क्या रख दो, प्लस क्यू चार्ज रख दो, ठीक है, तो पूरी सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्जेज आएंगे, आएंगे ना, पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा उसके ऊपर, अरे पोटेंशियल सेम आएगा ना, तो उन दोनों पॉइंटों का जो डिफरेंस होगा ना वो जीरो आएगा। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लो, सेम क्या कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लो, ठीक है, रहा हूं ना, ठीक है। लिखिए बच्चों, लिखिए क्या कर रहे हो, ये तो यही वाली बात है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों मैटर करते हैं, पहली बात तो। अब एक जैसे कार्टेशियन है, जैसे सपोज करो स्फेरिकल मान लो, कार्टेशियन मान लो, ठीक है, और इसके पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई जेड है। अब सदिश कोई वेक्टर क्वांटिटी है वो इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वेक्टर फील्ड का क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर का क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। अदिश राशि कर रही तो अदिश क्षेत्र कहलाएगा, सदिश राशि कर रही सदिश क्षेत्र कहलाएगा। अरे समझ गए क्या जानकारो, ओ दीदी बोलो, रुको भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रुक जाओ, बोलना नहीं है। हाँ अरे यार बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो इनको रटने वाली कोई बात नहीं है। जैसे सपोज मैंने कोई ले लिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, पी इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन पी आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फील्ड कहलाएगा, बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए क्या कहलाएगा, वेक्टर फील्ड कहलाएगा। अब अगर पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई है, तो ये पोटेंशियल का फील्ड कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो ग्रेविटेशनल का फील्ड कहलाएगा, समझ में आ गया। दीदी आप भी समझ सकती हो, ठीक है, आप इधर देखती नहीं है, छिपके क्यों बैठ रहते हो एक दूसरे के, ये पूजा के पीछे छिपके बैठी है, ठीक है, छिप मत है। हाँ अब देखो बेस्ट एग्जांपल बच्चों, देखो हिंदी में बोलते हैं स्फेरिकल सेल, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट ठीक है। मैंने कोई क्या ले लिया बच्चों, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब इसकी वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा,
गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आप गॉसियन सरफेस को पूरे को डॉटेड लाइन से मिला देना, गॉसियन सरफेस को क्या कर दोगे, पूरी डॉटेड लाइन से मिला देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अरे ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा, बस बात इतनी, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। और अब इसकी जितनी लाइंस जो निकलेंगी उसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, फ्लक्स से कर देंगे। ये दूसरे काम के लिए यूज होगा, ये किसके लिए यूज होगा, दूसरे काम के लिए यूज हो जाएगा, समझ में आ गया ना इतनी बात। तो कर लो, एग्जाम्पल लिख लो, अरे रवि भाई समझ में आ रहा है क्या, अरे रवि भाई तूने कैसे फोन किया था कल? अरे सर एक स्टूडेंट है उसके जेम में 23.33 नंबर आ रहे हैं। कितने? देखिए बच्चों सुनो, अब हेडिंग दो, अधिस क्षेत्र की प्रवणता, अधिस क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अधिस क्षेत्र की प्रवणता, देखो बच्चों देखो बच्चों पहली बात कौन सी बात, अब की बार पहली बात मैं करने वाला क्या हूं, मैं करने वाला ये हूं कि ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन केफ और इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्स और एन केफ, ठीक है। ये एक ही बात है, मैं ये प्रूफ करने वाला हूं, लिख लो बच्चों। देखिए ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन के डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन के, अब लिख लीजिए बच्चों किसी अधिस क्षेत्र में अधिस फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अधिस क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। किसी अधिस क्षेत्र में अधिस फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अधिस क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। देखिए इन स्केलर फील्ड कोमा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन कोमा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। पहली बात तो ये, एक काम तो बच्चों ये प्रूफ करना, और दूसरा काम ये काम भी करना है बच्चों कि ग्रेड फाई इक्वल टू, दूसरा क्या काम करना है बच्चों कि ग्रेड फाई को ऐसे लिखा जाता है, ग्रेड फाई इक्वल टू आई के या ऐसे ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई के डेल बाई डेल्टा एक्स जे के डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई के डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड, ये भी लिखा जाता है, ठीक है। अगली बात ये प्रूफ करेंगे, ग्रेड फाई का मीनिंग ये होता है, ये और लिख लो।
अब तीन महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जिनको आप खुद कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हो, खुद कर सकते हो। देखिए ये सब चीजें धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि वहां पर ऑप्शन आएंगे ना वो बड़े खतरनाक आएंगे, चार कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, वो सब फिजिकल मीनिंग पूछते हैं बीच बीच में से, इसलिए अपन धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सोचो अपना मुद्दा तो ये है, पहली बात तो करना तो ये कि ग्रेड फाइव को ये लिखते हैं और ग्रेड फाइव को ये लिखते हैं, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अगली बात कि आप खुद कैसे करोगे इस बात को, क्या करोगे आप खुद कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो अब सोचो कि अपने को खुद को करना है, ठीक है, सब कोई कोई ज्यादा फड़फड़ाहट नहीं करेंगे अपन, सिंपल सी बात करेंगे। देखिए मैंने ये कोई ले लिया इक्यू स्केलर फंक्शन ले लिया, जिसके ऊपर कोई स्केलर फंक्शन मैंने फाइव डिफाइन कर दिया, अब ठीक है समदिश प्रश्न, ये मैंने एक प्रश्न और डिफाइन कर दिया जिसके ऊपर मैंने कह दिया कि फाइव प्लस डी फाइव है, क्या कह दिया फाइव, ये एस वन प्रश्न कह देता हूँ और ये क्या कर देता हूँ एस टू सरफेस कह देता हूँ, बराबर। ये मेरा बच्चों मूल बिंदु है, ये क्या है मूल बिंदु है, ये कोई मैंने पॉइंट क्या ले लिया पी, ये मैंने पॉइंट क्या ले लिया पी ले लिया, ठीक है। पी पॉइंट लेने के लिए मैंने यहां से क्या कर दिया एक वेक्टर डिफाइन कर दिया आर वेक्टर, ले जाए भी ले मैंने अति नहीं लगाया, हाँ ये आर वेक्टर, समझ गए मेरी बात को बच्चों। ये देखो ये मैं क्या ले लिया क्यू वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये मैंने ये कह दिया कि ये दूरी पोजिशन वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर है, ठीक है, मैं नहीं बीमा, देखो आर वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये ऑब्वियस ही बात है बच्चों वेक्टर लो लगा दो इसके अंदर, आर प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर कह दो चाहे और उल्टा कह दो बात एक ही। अब ये है मेरा वेक्टर है, तो अब चेंज किस में देख रहा हूं मैं, एक के ऊपर एक पोटेंशियल डिफाइनर के ऊपर, सरदार जी ये आपके लिए भी है, आपने देखो कैसे बोल देखे मास्टर मैंने चाल रहे हाँ किसको किताब को देख रहा है बेचारा, हाँ देखो बच्चों अब यहां पर देखो अपने को क्या कर रहा है बार 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 अपने को क्या करना है अलग अलग डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, अलग 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 डायरेक्शन में जाके अपने को चेंज देखना है, ठीक है, किसके अंदर चेंज देखना है, मान लो फ्लक्स है फ्लक्स वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है तो फ्लक्स में चेंज देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों पहली लाइन ही चेंज ऑफ फाई क्या लिखोगे, हाँ देखो पी क्यू दिशा में, पी क्यू दिशा में फाई के परिवर्तन की दर ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन पी क्यू डायरेक्शन तो बच्चों ये क्या आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल्टा आर, फाई में चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन, ठीक है, दैट इज डेल फाई अपॉन डेल्टा। अब मैं हर बार इसे डेल्टा आर को बार बार अलग 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 डायरेक्शन में लेके जाऊंगा और लेके जाके वाकई में देखूंगा सबसे ज्यादा चेंज मुझे कौन सी डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ये कोई पॉइंट पी लेता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये एन के डायरेक्शन आ गया और ये मैग्नीट्यूड में क्या ले लेता हूँ डेल्टा एन ले लिया, ये एंगल ये टेंजेंट लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और टेंजेंट कोई भी एंगल लगाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, छोटी सी दूरी हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है ना, सीधी दूरी आती है, ये एंगल थीटा है, अब मैं यहां तक घुमाऊंगा यहां से लेकर और इसको भी क्या कह देता हूँ डेल्टा थीटा कह देता हूँ, छोटा एंगल है, ठीक है। अब मैं डेल्टा एन और डेल्टा आर के अंदर क्या कर लेता हूँ रिलेशन स्टेब्लिश कर लेता हूँ, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटा करण ना, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा डेल्टा एन और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा डेल्टा आर, इसका मतलब डेल्टा आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा एन अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं लगातार ये क्या करता गया चेंज करता गया और डेल्टा एन में, ठीक है, तो मैं अब लिख देता हूँ पी क्यू दिशा को छोड़ देता हूँ, ठीक है, सॉरी पी आर कह देता हूँ इसको पी आर, ठीक है, तो अब पी आर दिशा में पी आर दिशा में
फाई के परिवर्तन किधर, फाई के परिवर्तन किधर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर दोगे नहीं तो अब डेल फाई अपॉन डेल्टा आर कह देता हूं, डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट कर दो वहां से, ठीक है। तो डेल्टा इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, इधर देख लो ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं क्या किया, ये डेल्टा थीटा को लेके गया और वहां डेल्टा एन पर जाते ही डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अरे बिल्कुल हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम कर, अबे कोस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इक्वल टू वन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं, मुझे जो फाई के अंदर सबसे ज्यादा चेंज जो देखने को मिला ना, वो मुझे यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में मिला। कौन सी डायरेक्शन में मिला, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में मिला, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेड फाई कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेड फाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसीलिए ठीक है ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल्टा आर, मैक्सिमम भी कह सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कहोगे तो कोस थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। और या क्या कह सकते हो बच्चों, डेल फाई अपॉन डेल्टा एन भी कह सकते हो ना, डेल फाई अपॉन डेल्टा एन भी कह सकते हो। अरे समझ गए क्या, अरे बोल तो ठीक है। इसका मतलब फाई में परिवर्तन की दर ज्यादा कौन सी दिशा में होती है, अभिलंबवत दिशा में होती है, ठीक है। अतः है अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अभिलंबवत दिशा में होती है, क्या होती है, दिशा में होती। अरे समझ गए क्या, ठीक है। इसलिए अबे मैं ये एंगल क्या ले लेता हूं बच्चों, कई बार ये आप पार्शियल में भी चक्कर पड़ रहा होगा आपका, ठीक है। तो देखो क्या कह दोगे, अबे ग्रेड फाई इक्वल टू, इसी को ही ग्रेड फाई कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेड फाई कहते हैं। तो लिमिट अगर आप डेल्टा एन टेंस टू जीरो ले लेते हो, ठीक है, या डेल्टा थीटा टेंस टू क्या ले लेते हो, जीरो ले लेते हो, ठीक है। तो डेल फाई अपॉन डेल्टा एन को ही अपन क्या कहते हैं, डी फाई अपॉन डी एन कहते हैं, क्या कहते हैं, डी फाई अपॉन डी एन या डी फाई अपॉन डी आर मैक्स कहते हैं। अरे समझ गए क्या, ऊपर डेफिनेशन तो लिखा ही दिए मैंने, ठीक है, या बस बात इतनी बोल ली, ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर को अगर घुमाते हैं तो सबसे ज्यादा चेंज जिस डायरेक्शन में मिलता है वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी पहले से ही अवेलेबल है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा चेंज, ठीक है, जहां पर आप मिलेगा ना वहां फिजिकल क्वांटिटी का नाम ग्रेडियंट होता है, वहां पर क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। समझ में आ गया, जैसे सरफेस इंटीग्रल के अंदर सबसे ज्यादा चेंज कहां पर आता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में आता है, तो वहां पर अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं, करते हैं ना, ठीक है, कर लो ये लिख लो। लिख लिया क्या, ना इसी पे बात करूं, तो सरफेस ही तो बड़ो क्यों बनाए,
टू एक्ट। तो बिना आए कैसे प्रैक्टिकल हो है रे? अरे लिख लिया गया सरदार और का एडवांस, सरदार एडवांस टेक्नोलॉजी का आदमी है सर। ये अभी लंबवत दिशा में कैसे होगा? डेल्टा थीटा जीरो है तो। अरे तो जानवर है ये, दो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमारे यहाँ तो अभिलंबत ही होती है। अभिलंबत का मतलब नॉर्मल है, ये दो प्लेन की सीधी नहीं होगी अभी तो, बिल्कुल सीधी नहीं हुई है ये, ठीक है। अरे इसे घुमाता ले जा रहा था, ले जा रहा था, ले जा रहा था, इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा नहीं मिला गया, अभिलंबत नहीं हुई क्या? ठीक सर, ठीक सर। अरे गरीबो अच्छे दिन कट रहे हैं तुम्हारे, गरीबी में बता दो इसको। क्या कह रहे हो? इंग्लिश में बोल दो एक बारी। क्या कह रही है बताई नहीं, क्या कह रही? सर इंग्लिश में बोल दो। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन विल बी इन नॉर्मल डायरेक्शन। सो इतनी सी अंग्रेजी को बना रहा है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा पढ़ ली, इतनी तो मैं बनाती हूँ। अरे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन विल बी इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है ना? समझ में आ गया? आ गया? अरे लिख लिया क्या? एडिंग दीजिए, अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में स्केलर ग्रेडियंट इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में स्केलर ग्रेडियंट इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों, अब सुनते जाना, सुनते जाओगे ना। देखिए अगर फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, मान लिया कि कोई स्केलर फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का है। इधर देख लो, ओ लोकेंद्र सिंह, ठीक है। डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई के, डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई, और प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड। अरे ये आ जाएगा ना? अरे बोलो। हाँ सर आ जाएगा। ये लिख सकता हूँ ना? ठीक है। अरे ये लिख सकता हूँ क्या? अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दू तो कोई दिक्कत है क्या मेरे? डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई जे के प्लस डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड के डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई के डी वाई जे के और डी जेड के के, ये लिख सकता हूँ ना? ठीक है। डी फाई इक्वल टू इसको सेम ही लिख दो, डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई के डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई जे के और डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड के के, ठीक है। और डॉट इसको डी आर वेक्टर लिख दूं क्या? पोजीशन वेक्टर। इसको समीकरण नंबर एक बोल दूं क्या? इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक काम कर दिया मैंने, अब दूसरा काम देखिए। मैं कह रहा हूं कि ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर, अभी तो किया था। अरे डी फाई अपॉन डी आर क्या किया था? डी फाई अपॉन डी एन और एन कैप कहा था अपन, कहा था ना? ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर सर आप भी देख ले सर, दे सर, ठीक है। और डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना है? डी एक्स आई के डी वाई जे के और डी जेड के, ये कर दिया।
अबे इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, देखो ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन और एन के और एन के डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एन के डॉट डी आर को कॉस थीटा लिख दूं क्या, अरे एन के डॉट डी आर को क्या लिख दूं, कॉस थीटा लिख दूं क्या, बोली डी आर कॉस थीटा लिख दूं, हाँ सर, और डी आर कॉस थीटा डी एन के बराबर है, डी फाई अपॉन डी एन और ये डी एन के बराबर है, डी एन से डी एन कट गया तो डी फाई इक्वल टू क्या बच गया, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर है, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दो हो गया, इक्वेशन वन और टू का कंपेयर कर लो, ठीक है, इसका मतलब कंपेयरिंग, आगे वाले पेज पे लिखूं क्या, कहीं सुन में ऐसे बीच में लिख दोगे आप भी, फिर फिर कॉपी में ढूंढते रहोगे यार, लिख कर जी दिए सर, कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया था एग्जाम में तो, हाँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल फाई अपॉन डेल्टा फाई जे केफ और डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड के केफ, इसी को ही बोलते हैं ग्रेड फाई इक्वल टू, अरे बोलो समझ में आया क्या, ये लो कर लो, ले तेरा पेन, अरे आ जाएंगे होली निकली है, गए बैठे हो मैनू, हाँ तो माली चलती रही जतन लिख सी जतन तो पूरा ले पूरा तो करवाना पड़ता होगा, तू रिकॉर्डिंग मत काटे करी है बिना मतलब की, लिखने वाला रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहे, गरीबी मौज होगी तो काम कौन करना पड़े, पांच बज के 38 मिनट हुई ओनली, तेरे 6 मिनट 6 बजे मेरे 38 में कोई 20 मिनट का अंतर हुआ, आन तो बेचारा गरीबन फिर पड़े यार ये बोले बेड में संकट में ले आया, बेड ने संकट में ले आया, 1.5 घंटा तो गुण ही हुआ है, हाँ की तो पूरी जिंदगी 1.5 घंटे कोचिंग बंद करी, यहाँ तो ऐ तो भाई कोचिंग में जाए देखा आधा घंटा नाम सुना दे, हाँ अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ए पार्टिकल हैव रेडियस आर, बच्चों कल पढ़ेंगे ठीक है, आज रेडियस आर
तो इसमें क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड वाले भी सुनेंगे ये बातें, हैं काम काम की बातें रिकॉर्डिंग में जानी चाहिए। वो तो जैसे कोई वही है पंचनामे करके बैठे। तने क्या की चिंता है छोटी सी उम्र में, तो यूं कोई फर्क कौन पड़ा है? अरे तो की फर्क पड़ा है यूं? यहां पर राम लिखे रोक दे, तू काटे मत करी वीडियो।